हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम कंटिन्यू करेंगे वही वाली पॉडकास्ट जो हम कल देख रहे थे, जिसमें प्रखर कुशल मेहरा का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसमें आज टाइम की कमी होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं देख पाऊँगा। एक छोटा एक ही टॉपिक हो सकता है मैं कवर कर पाऊँ, कोलोनियलिटी जिसकी बात हो रही है, तो देखते हैं वहाँ से। Let's just be very clear. Victimhood is seductive. Like, who would not want to be a victim? Free points. But hey, yaar, you go to a club. That's like a VIP pass, right? So we come from. अच्छा हाँ, कल हम इस मुद्दे पे आ गए थे कि विक्टिमहुड जो है वो सिडक्टिव है, और मैं कल लास्ट बात ये कर रहा था कि हाँ, अगर अपने आप को आपको जस्टिफाई करना है कि आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे लाइफ में, तो विक्टिम हुड डेफिनेटली सेडक्टिव लगेगा आपको। From a culture in India where everybody wants to be a VIP, right? Right. We all know that. Right. Lal batti wali gaddi. Right. Tint chada liye. Right. If you're a fucking politician, you can have tints in India. Yeah, if I am trying to have a tint on my car, then the fucking thulla will, you know, they'll be like, "Hey, idhar aa. Haan. Paisa de." Haan. You know, that's right. How it is. So here, the lal batti is I am victimized. Now, everybody in this culture, and I am not trying to put the diaspora down. I fight for the diaspora myself. But what I am saying is, the diaspora has imbibed those values. ये इस वक्त अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जैसे इंडिया में लाल बत्ती एक स्टेटस होता है, वैसे यूएसए में विक्टिमहुड एक स्टेटस होता है, क्योंकि लोग अपने आप को एज अ ग्रुप विक्टिम डिक्लेयर कर देते हैं, क्लेम करते हैं, और उसके आधार पे एक ख़ास तरीके के ट्रीटमेंट की डिमांड करते हैं। तो ये इनका इनके वहाँ की लाल बत्ती है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। So, you know, it's like, just say there is this imaginary table over there. That is the victimhood table. Now, on that victimhood table, we have 7 or 8 seats. It's a limited seating capacity. Every idea, every meme has a limited space beyond a point. Outside of Hinduism, by the way. Even Abrahamism has a limited space. You're either going to heaven or hell. In Hinduism, uspe bhi debate ho sakti hai. Because you're fucking born again. Right. So, right. You can keep trying. Yeah, you can keep trying. So you're born again. So I'm just trying. So that table, it started off. हिंदुइज्म में एक्चुअली हेवन और हेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हिंदुइज्म में आपको मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष हेवन नहीं है। मोक्ष बेसिकली, हेवन जो है वो है ही अब्राहमिक आइडिया। मोक्ष बेसिकली ये है, आप जिस परमात्मा से, आप उसी परमात्मा का एक हिस्सा है और आप उसी में विलीन हो जाएंगे एंड में जाके। तो ये एक पॉइंट है। सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी या एनर्जी थोड़ी नॉर्मल नहीं लग रही होगी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज। विथ वन पर्सन टेकिंग द टेबल, द टू कम्युनिटीज दैट डिजर्व्ड अ सीट एट दैट टेबल ऑनेस्टली इन द सोसाइटी वर द नेटिव अमेरिकन्स एंड द अफ्रीकन अमेरिकन्स। दे जेन्युइनली डिजर्व्ड अ सीट ऑन दैट टेबल। दे गॉट फक्ड बाय द सोसाइटी ओवर हियर। दे गॉट लिटरली फक्ड ओवर। सो आई विल ऑलवेज सपोर्ट दैट। इन फैक्ट anybody who follows my work, I have been openly calling for, and again, it's a very sensitive topic in America, and Americans will never agree with me, I want reservations for these two communities, just like we have reservations in India. I am very open about it. No, isse main agree nahi karta. Identity based reservation aur zyada identity politics ko push karti hai, jiski pehle hi na India mein kami hai na America mein kami hai, dono countries mein आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, और उसका रिजल्ट और उसका तरीका कितना डर्टी है वो हम दोनों जगह पे देख सकते हैं। तो इसलिए मैं, और ये आरक्षण एक और मुद्दा देता है इस राजनीति को और ज़्यादा चमकाने के लिए, तो इसलिए मैं दोनों में से किसी जगह पे इसको सपोर्ट नहीं करूँगा मेरे ओपिनियन में। I love this political discourse. So, now what happened? देखो, जिनकी गांड मारी गई थी वो भी आज जिंदा नहीं है, और जिन्होंने वो किया था वो भी आज जिंदा नहीं है। तो फिर आज जो लोग जिंदा है उन लोगों को ना उस चीज़ का फायदा और ना
उस चीज़ का नुकसान होना चाहिए, जनरेशनल ऑक्यूपेशन या ऑपरेशन का करंट जनरेशन्स पे इफ़ेक्ट होता है, बट उसका इलाज ये नहीं है कि जो ऑपरेसिव ग्रुप था हिस्टोरिकली उसकी करंट जनरेशन को उसकी सजा दी जानी जस्टिफाइड है। came into this society, understood the language of this society, started taking a seat on the table. So they got the seat, they got their pound of flesh. Abhi the Hindu community, they were busy in the other line. Which is making money. Making money. Right. They were making money, they were getting nice jobs, they were working hard. See, what is the ideal immigrant? So I'll just think about it. Whenever you meet Hindus over here, they will say I'm an American Hindu. They will not say I'm a Hindu American. Have you noticed that or not? They will always say, I'm an American Hindu. Most of them. They don't say, I'm a Hindu American. Well, I think they're not the same. What is the difference? Well, I think if you're saying you're an American Hindu, the brain processes the American claim first. Right. Then the Hindu claim next. Right. And if you say you're a Hindu American, the claim says Hindu first, American next. Huh. But you look at other communities with due respect. But Iqbal, isn't that the exact thing that the non-left fights for against the Islamist opponent? Is that you, like for instance, Rajiv Malhotra will say this. I've heard maybe even Subramanyam Swami say this. First, acknowledge your Indianness, and by that, by virtue of that, your Hindu heritage, and then you can be a Muslim in India. No, I think slightly nuanced. Mm-hmm. They say most people in what is popularly called the Hindutva discourse of India, the expectation of the Hindutva discourse, I'm not talking about Subramanyam Swami, I don't want to comment on that. I think you're talking about that DNA piece that he wrote that created a lot of... No, I think fear. I heard him saying that on a YouTube talk. Like it was a... So that is Mr. Swami's view. Right. Dr. Swami's view is not the view of the Hindutva discourse. No. Right. So he is not the view of the Hindutva discourse. Right. If you ask any regular Hindutva person, they'll be like, all we expect them to say is, A, their loyalty lies to India, first and foremost. You talk to a proper RSS person. I will use the name RSS. You talk to a real RSS swayamsevak. Their only expectation is be loyal to India. Then your loyalty to your religion comes. But isn't that the same as saying American Hindu in the American context? Yeah, I support American. Ek hi baat ho gayi yaar. Agar Subramanyam Swami ye keh rahe hain ki bhai apne Indianness ko acknowledge karo. और एक आरएसएस का बंदा ये कह रहा है कि भाई तुम्हारी लॉयल्टी जो होती है वो पहले इंडिया के साथ अलाइन होनी चाहिए या अलाई करनी चाहिए, एक ही बात है। अगर पहला हो जाएगा तो दूसरा भी हो जाएगा, अगर दूसरा है तो पहले होने के बाद ही दूसरा हो सकता है, कोई खास फर्क नहीं है। नॉट हिंदू अमेरिकन। ओके ओके, आई एम बीइंग कैटेगोरिकली क्लियर ओवर हियर। राइट, आई सपोर्ट अमेरिकन हिंदू एंड बट द पॉइंट इज The problem is how much. और वैसे भी रिलीजन और नेशनैलिटी दो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। नेशनैलिटी आपके आपकी लाइफ का जो पब्लिक स्फेयर का जो एस्पेक्ट है, जो डायमेंशन है, उसको के साथ कंसर्न करती है। रिलीजन शायद लोग करते हैं या नहीं करते, लेकिन आइडियली आपकी प्राइवेट लाइफ का पार्ट होना चाहिए। अब ऐसा है कि नहीं है, मैं इस बात पे कमेंट नहीं करूँगा। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, दुनिया परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ें एक्चुअली सेम रेलम को बिलोंग भी नहीं करती हैं, इन माय ओपिनियन। हाउ मच ऑफ इट इज द अमेरिकन बिट एंड हाउ मच ऑफ इट इज द हिंदू बिट। राइट, इज द हिंदू बिट टैग्ड अलोंग और कैरीड विद? इट इज कैरीड विद, इट इज नॉट बीइंग, यू नो, इट इज नॉट कमिंग। मैं समझ गया। एंड व्हाट हैड हैपेंड इज बिकॉज विक्टिमहुड हैज बिकम द रीज़न डेथ द एसेंस of the discourse in the United States of America for the last 10 years, the diaspora eventually, like everything, the Hindu diaspora is always late to the party. Right. मतलब हम वो ना वो चूतर कॉम है जो लास्ट में ही पहुंचती है हर चीज में। Right. तो अभी हो गया, बैठो तो पूरा टेबल तो फुल हो गया। अभी हम बोलते हैं नहीं, हमारे लिए कुर्सी बना, हमको हमको भी बैठना उधर। भैया, उस कुर्सी पे बैठने के सर्टन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थे। तुम्हारी इनकम, ठीक है, तुम्हारी इनकम एक है उसमें से, तुम्हारा चेहरे का रंग, ठीक है, उसमें भी हमारे थोड़े गड़बड़ है, हमारे में गोरे भी होते हैं ठीक है। तीसरा है, अगर तुम ग्रुप आइडेंटिटी गेम खेलने वाले हो तो उसमें सब ग्रुप आइडेंटिटी गेम भी आएगी, तो फिर तुम कास्ट को कैसे अवॉइड करोगे? फिर अगर तुम कास्ट लाओगे तो भाई सच क्या है, फिर तो फंस गए तुम। जो ये कह रहे हैं कि जब ग्रुप का गेम खेलोगे तो सब ग्रुप आएगी,
तो ये चीज़ सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारी कम्युनिटी के साथ ये सेम प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं इंटरसेक्शनैलिटी। जब ये तब होता है जब एक ऑलरेडी ऑप्रेस्ड ग्रुप होता है और उसके जो फायदे की बात है वो किसी दूसरे ऑप्रेस्ड ग्रुप के नुकसान की बात बन जाए, उसको इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो विक्टिम गेम है, ये पूरा का पूरा एक बेवकूफ़ी से भरा हुआ इडियोटिक आइडिया है। तो जब आप एक इडियोटिक आइडिया अप्लाई करते हो तो उसके अंदर से एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इडियोटिक आइडियाज़ और बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, आप एक बेवकूफ़ी वाला काम करोगे, उसके रिजल्ट में चार चार बेवकूफ़ी वाले काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और ये चेन रिएक्शन की तरह स्पायरल आउट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इसके बारे में जो ये भी कह रहे हैं, ये तो दूसरे लोगों के भी में भी अप्लाई करता है। ठीक है, पैसा कमाना, यस, एक नेगेटिव तौर पे देखा जाएगा। स्किन का कलर तो भाई जो लटिनो अमेरिकन है वो हमसे, अगर काले नहीं है तो गोरे, गोरे नहीं है तो काले भी नहीं है। तो आई डोंट नो कि वो चीज़ अप्लाई होती है कि नहीं होती, क्योंकि स्किन में एक्सक्लूसिवली ऑप्रेसर माना जाता है जिसकी वाइट स्किन है, और उनके अलावा हर कोई, चाहे वाइट के बाद सब, हर कोई काला ब्राउन जो भी है वो ऑप्रेस्ड ही माना जाता है वहाँ के डिस्कोर्स में। एक और फाइट है। तो चलो चलो 90% डायस्पोरा की जात क्या है जरा चेक कर लो, सर्वेज हैं यहाँ पे। तो एक होता है, देखो मैं तो बॉम्बे वाला हूँ तो मैं बॉम्बे की एनालॉजी दूंगा। एक होता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मैं मारना गैस करता हूँ जनरल से आते होंगे 90% जो ही कह रहे हैं। अपने बाजू वाली बिल्डिंग में जाके। एक होता है कि आप साउथ बॉम्बे से जा रहे हो वेस्टर्न सबर्ब्स में, जो वो सबसे चूतिया वाली रोड होती है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। देन यू टेक दैट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड देन यू फाइंड दैट वन फकिंग स्पॉट वेयर द एक्स एग्जिस्ट एंड यू गो एंड जंप ऑन इट। दैट इज व्हाट द डायस्पोरा इज डूइंग। दे आर फाइंडिंग दैट वन एक्स व्हिच इज दैट ऑफ या विंड एंड जंपिंग ऑन या इट। एंड लुक इफ दे वुड हैव सी आई रिस्पेक्ट पीपल। बेसिकली अगर मैं इसे अपने भाषा में कहूँ, जो ये कहना चाह रहे हैं कि क्यों विक्टिमहुड के में इन्वॉल्व हो के, विक्टिमहुड के ग्राउंड पे खेल के जो हिंदू डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, वो गलत कर रहा है। मेरे हिसाब से उसका रीज़न ये होगा कि आज के टाइम पे एक बैड आइडिया, आज के टाइम पे एक बैड आइडिया डोमिनेट कर रहा है डिस्कोर्स में, और क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा है तो हमारे यहाँ के लोग उसको ही प्ले आउट कर रहे हैं। क्योंकि वो आइडिया आज आज पॉपुलर है, तो हम उस प्लेन पे ही खेलने के लिए तैयार हो गए हैं क्योंकि वो पॉपुलर है, सिर्फ इसलिए। लहरों के अगेंस्ट नहीं हम तैरने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन कॉमेडियन है, निमेश पटेल उनका नाम है, स्टैंड अप कॉमेडियन। मैं उनकी कॉमेडी पसंद करता हूँ, बट उनकी कॉमेडी के काफ़ी एस्पेक्ट्स मुझे लगते हैं इसी टाइप के जो कुशल मेहरा यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, कि किसी न किसी तरीके का विक्टिमहुड का एक कार्ड पकड़ा हुआ है लोगों ने, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह कल्चर है। क्योंकि देखो, हमारे देश की तरह अमेरिका में भी ना डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कल्चर है। जैसे इंडिया में पंजाब का कल्चर अलग है, महाराष्ट्र मुंबई का कल्चर अलग है, दिल्ली हरियाणा का अलग है, जो साउथ के स्टेट्स हैं उनका अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, बंगाल का अलग है, और हर मामलों में फूड, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इन सारी चीज़ों में अलग कल्चर है। ऐसे ही जो अमेरिका है उनका रीजन्स के हिसाब से डिफरेंट कल्चर है। और जो कोस्टल सिटीज़ हैं, जो मेट्रोपोलिस है, लाइक न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को, इनका एक और ही टाइप का, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लिबरल टाइप का कल्चर है। तो क्योंकि एक्सपैट पॉपुलेशन इन एक्सट्रीमली लिबरल सेंटर्स में मेजॉरिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए वहाँ के पॉपुलर कल्चर को ही वो लोग टो करेंगे। ज़्यादातर लोग शीप होते हैं, भेड़ चाल चलते हैं, जो दुनिया कर रही होती है वही करना चालू कर देते हैं। तो क्योंकि वहाँ इस वक्त लिबरल डिस्कोर्स डोमिनेंट है और हमारे लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ लिबरल डिस्कोर्स डोमिनेंट है, तो वो उसी चीज़ को आगे भेड़ की तरह रीगर्जिटेट कर देते हैं, उसी तरीके से, उसी लेंस से अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। तो ये मेरे हिसाब से जो ये जिस चीज़ की ये कंप्लेंट कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है। एक्सप्लॉइट आइडियाज व्हेन दे आर नेसेंट।
आई हैव जीरो रिस्पेक्ट व्हेन यू आर लेट टू द पार्टी. देखिए चूसा हुआ आम तो मत चूसो यार, मतलब किसी ने खा लिया है, गिटक फेंक दी है उधर, और आप बोल रहे हो कि नहीं यार मुझे तो, मेरे को तो गुटली भी चलेगी यार. अब ये मैं मतलब हमारा क्या हाल है, मालूम है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या. हमारी ये हालत है. मेरा पॉइंट ये है कि वो आपको खड़ा नहीं करेंगे. और इसके लिए आप अगर यहाँ का डिस्कोर्स देखोगे तो अभी है ना, एक तो यार मतलब यहाँ पे हर आदमी रवीश कुमार हुआ पड़ा हुआ. क्या मतलब है रवीश कुमार का फेमस. अगला यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है. यहाँ से ये लोग लास्ट बात जो इन्होंने कही कि चूसा हुआ आम तो मत चूसो, मैं तुम्हारी इसलिए रिस्पेक्ट, मैं रिस्पेक्ट फिर भी कर लेता अगर टेबल के बनने के टाइम पे तुम आ जाते, पर टेबल बन गई, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, मूवी ख़त्म होने वाली है, अब थिएटर में आ रहे हो, क्या फ़ायदा है इस बात का. तो मैं हाँ अग्री करता हूँ, मैं तो तब भी रिस्पेक्ट नहीं करता अगर शुरू में भी आते, क्योंकि चूतिया आइडियाज़ के ऊपर लड़ना एक चूतिया काम ही होता है, चाहे आप जैसे भी लड़ो. तो मैं तो तब भी रिस्पेक्ट नहीं करता, आप इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करते तो भी कोई बात नहीं. चूतिया आइडियाज़ को सपोर्ट करना उससे भी बड़ा चूतिया पाए. तो एनीवे जैसा कि मैंने कहा, मैं थोड़ा आज इतना अच्छा फील नहीं कर रहा, तो और थोड़ी टाइम की भी सिचुएशन है. तो आज यहीं रोकते हैं, कल या तो यहीं से शुरू करेंगे. देखने के लिए थैंक यू.